कोरोना संकट के बीच मुंबई से तो एक ऐसी खबर है जिसने सुबह सुबह सबको दुखी कर दिया। विरार से खबर है, एक दर्दनाक खबर। विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। विरार हादसे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और महाराष्ट्र सरकार का मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हो गया है। इसके अलावा पीएम नेशनल रिलीफ फंड से भी 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, मुंबई के विरार अग्निकांड के बाद सवालों से भागते दिखे मंत्री एकनाथ शिंदे। TV9 भारतवर्ष के सवालों से कैबिनेट मंत्री भागते नजर आए। कब तक भागेंगे, किससे भागेंगे? मीडिया से भागेंगे तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, कभी तो जाएंगे उनके सामने, और जब वो लोग पूछेंगे तो फिर आप क्या जवाब होगा आपके पास? शिवांगी, ये क्या स्थिति आ गई है जहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे हैं और मंत्री सवालों से भाग रहे हैं? देखिए गौरव, मंत्री सवाल से तो भाग रहे थे, हम ये दिखा ही रहे थे, और अभी अभी एक बहुत ही बेतुका बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये बयान दिया है कि विरार में जो आग लगी है, लोगों की मौत हुई है, ये घटना नेशनल न्यूज नहीं है। ये कितना बेतुका बयान है एक स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, 13 लोगों की जान जा रही है, मर गई है। ये बयान कुछ ऐसे, कुछ एक केंद्रीय मंत्री के भी आए इससे पहले और कुछ और लोगों के आए, क्या लोग बिल्कुल इंसानियत खो चुके हैं? देखिए इस वक्त ऐसा ही लगता है, जब हम अस्पताल के बाहर खड़े हैं, तमाम मरीज जो हैं उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं, उनके दुख को कोई नहीं समझ सकता। और जब हमने अभी अभी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे उनसे बात की, उनका कहना है कि हमने मुआवजा दे दिया। क्या मुआवजा देने से जिनकी मौत हुई है क्या वो लोग वापस आएंगे? लापरवाही होती है हर बार, चाहे मुलुंड में आग लगी हो या नासिक में ऑक्सीजन की कमी हो, ये कह दिया जाता है कि जाँच की जाएगी, मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन सच में क्या कोई होमवर्क हो रहा है? सच में क्या कोई कार्रवाई हो रही है? क्या सच में फायर ऑडिट किया जा रहा है? शिवांगी, जरा वो तस्वीर दिखा सकती हैं आप, अगर आप अस्पताल के बाहर हो, कौन सा अस्पताल है, कहां आग लगी, अगर दिख रहा हो यहां से जहां आप खड़ी हैं? देखिए आपको बता दें कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ हुई थी, इसलिए अब मीडिया को थोड़ा पीछे रखा गया है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। परिवार वाले काफी आक्रोशित है और हमने देखा यहाँ पर परिवार वाले जब नेता आ रहे हैं तो काफी आक्रोशित हो रहे हैं, इसलिए पुलिस ने मीडिया को भी अब कहा है कि थोड़ी दूरी बनाते हुए चीज़ों को दिखाएं। लगातार यहां पर एम्बुलेंस आने का सिलसिला जारी है, पुलिस ने तमाम तैयारियां की हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर है। देखिए ये तमाम अधिकारी इसी यहां पर जायजा ले रहे हैं कि अब क्या स्थिति है, और जो बाकी के मरीज यहां पर बचे हुए हैं, 20 मरीज और हैं, उनको दहिसर जम्बो कोविड सेंटर में अब शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, कई मरीजों को हमने देखा काफ़ी घबराए हुए हैं, उन्होंने अपने सामने जो साथ में मरीज होते हैं उनकी मौत देखी है। एक तो कोरोना से उनकी लड़ाई चल रही है, इस बीच इस तरह का भयावह मंजर, जरा सोचिए उनकी मानसिक स्थिति इस वक्त क्या होगी। गौरव डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, इसमें तो शब्द नहीं है। डॉक्टर संजय गर्ग इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय गर्ग, अब बताइए, कोरोना के मरीज को आप उसके घर वाले लेकर आए थे कि यहाँ ठीक होगा, उसने सोचा तक भी नहीं होगा, ऐसे हादसों के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सर जिम्मेदारी मुझे लगता है कि प्रशासनिक तो है, ये हमारी जिम्मेवारी भी है। पिछले 1.5 साल में क्या हमें पता नहीं है कि किसी भी पेंडेमिक में सेकंड थर्ड वेव आती है? जब यूरोप जैसे देश, छोटे छोटे देश जिनकी 6-7 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहां पे अगर 50,000 केस रोज आए हैं तो क्या 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 3-5 लाख केस पर डे नहीं आएंगे? क्या हमें ये नहीं मालूम? क्या हमें ये नहीं मालूम कि उन 5 लाख में से 3% को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। क्या हमें नहीं मालूम कि उनके लिए हमें बेड्स और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? इसी सवाल का तो जवाब कोई नहीं दे पा रहा ना, इसी सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। क्या हमने नवंबर से जनवरी के दौरान ये मान लिया कि हमने कोरोना को हरा दिया? क्या हमने ये मान लिया कि भारत से कोरोना चला गया? क्या हमने जो हमारे पास एक बहुत बड़ा समय था वो गवा दिया? सीरो सर्वेस को हमने बिल्कुल नजरअंदाज किया, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए थे सर, जो कोरोना को लेकर दिन भर टीवी पर आते थे और जानकारियां देते थे, क्या उन्होंने ये चीज नहीं भापी? देखिए सर, कोरोना के बारे में एक बात आप अच्छे से समझ लें कि इन्फेक्शन ना हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है। हम लोग टीवी पे या कहीं बैठ के रेमडेसिविर के ऊपर तो डिस्कशन कर सकते हैं, जिसका रोल भी डाउटफुल है, लेकिन हम ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। हम पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता लोग टीवी पे आके लाखों रुपए की एड तो दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली जो भी है वो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल पे डाल दी जाती है। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक का बिहेवियर ठीक है? क्या हमें अपने रिलीजियस जो भी हमारे सेंटीमेंट्स हैं उनको इस
भयावह स्थिति में पूरा करना जरूरी है। क्या हमें हजारों लोगों को इकट्ठा होके कोई प्रोग्राम या फंक्शन करना बिल्कुल सही सवाल है सर, बिल्कुल सही सवाल है। जवाब हम क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या हमने मास्क लगाया, क्या हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया और आज हम जब सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? बिल्कुल सही सवाल है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।